अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इस्लामिक साइंटिफिक स्कूल। वेलकम इन कंप्यूटर क्लास। टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर 2 कंप्यूटर कंपोनेंट। टॉपिक्स हैं आज के हमारे फंक्शंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, रजिस्टर्स, मदरबोर्ड। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जैसे कि आपको पता है वो डिवाइसेस जिनसे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, डेटा देते हैं प्रोसेस होने के लिए, वो सारी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। फंक्शन क्या है इनपुट डिवाइसेस का? पास इंफॉर्मेशन इनटू द मेमोरी यूनिट ऑफ द सीपीयू। यानी कि कीबोर्ड, माउस, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं, इनके जरिए हम क्या करते हैं, इनका फंक्शन है कि इंफॉर्मेशन पास करना सीपीयू के मेमोरी यूनिट को, ताकि वो उसको आगे प्रोसेस कर सके। कन्वर्ट द कैरेक्टर्स, लेटर्स, नंबर्स एंड अदर सिंबल्स इनटू बाइनरी। कंप्यूटर जो है वो नॉर्मल एबीसी या जो भी करेक्टर, लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, इनको नहीं समझता। तो जो भी हम डेटा इनपुट देते हैं वो इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो इनपुट डिवाइस से जब डेटा जाता है तो वो बाइनरी में कन्वर्ट होकर जाता है। तो ये फंक्शन है इनपुट डिवाइसेस के। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। द मेजर फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइसेस इज टू प्रेजेंट द आउटकम ऑफ द कंप्यूटेशंस and related activities carried out in the CPU so that these can understand by humans। जब डाटा प्रोसेस हो जाता है तो वो आउटपुट डिवाइस में हमारे सामने आता है, हमें नज़र आता है। जो भी कंप्यूटेशन हमने की होती है उसका आउटकम या जो भी कुछ आपने जो है वो प्रोसेस करवाया हुआ होता है वो सब हमें जो मिलता है एक अंडरस्टैंड बाई ह्यूमन, जो कि यूज़र को समझ आ सके, वो आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। वो फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब हम पढ़ते हैं रजिस्टर। रजिस्टर्स आर स्पेशल स्टोरेज एरियाज बिल्ट इनटू माइक्रो प्रोसेसर टू एक्सेस डेटा एट हाई स्पीड। रजिस्टर एक स्पेशल मेमोरी है, स्पेशल स्टोरेज है माइक्रो प्रोसेसर में, जो कि डेटा को हाई स्पीड में एक्सेस करती है और होल्ड करती है। आर रजिस्टर इज अ टाइप ऑफ वोलेटाइल और टेम्परेरी मेमोरी एंड इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू। रजिस्टर जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि टेम्परेरी है, और इसमें जब कोई डेटा जो है जिस वक्त रन हो रहा होता है या फिर प्रोसेस हो रहा होता है उस वक्त होल्ड करती है ये सिर्फ डेटा को। ये सीपीयू का पार्ट है। डेटा करंटली बीइंग प्रोसेस स्टोर्ड इन रजिस्टर। वो डेटा जो करंटली बीइंग प्रोसेस हो रहा होता है वो रजिस्टर में स्टोर होता है। देर आर 14 बेसिक रजिस्टर्स इन अ माइक्रो प्रोसेसर शेयर्ड बाय एलयू एंड सीयू। टोटल 14 रजिस्टर्स हैं जो कि एलयू और सीयू आपस में शेयर करते हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर नॉर्मली लोडेड इन टू रजिस्टर्स फ्राम मेमरी जस्ट बिफोर सीपीयू प्रोसेसिंग। जो इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम होते हैं वो पहले रजिस्टर में लोड होते हैं, फिर ताकि इनको सीपीयू जो है वो प्रोसेस कर सके। यानी कि करंटली बीइंग प्रोसेस डेटा जो होता है वो रजिस्टर्स में स्टोर होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज अ रेक्टेंगुलर कार्ड कंटेनिंग द सर्किट्री दैट कनेक्ट्स द प्रोसेसर टू द हार्डवेयर। मदरबोर्ड एक ग्रीन कलर का प्रिंटेड बोर्ड होता है जिसमें बहुत सारे सर्किट्स और आईसीज, एक्सपेंशन स्लॉट्स, प्रोसेसर, सबसे मेन चीज़ प्रोसेसर उस पर होता है जो कि बाकी हार्डवेयर से कनेक्ट करता है मदरबोर्ड को। इन मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर्स मैनी इंटरनल डिवाइसेज आर हाउस्ड ऑन दिस बोर्ड। इंटरनल डिवाइसेस जैसे रैम, रोम, ये सब जो है वो मदरबोर्ड पे ही होती हैं। अ मदरबोर्ड कंटेन्स अ कंप्यूटर सीपीयू, रैम, चिप्स एंड एक्सपेंशन स्लॉट्स। मदरबोर्ड पे सीपीयू यानी कि हमारा प्रोसेसर, रैम, चिप्स और एक्सपेंशन स्लॉट्स वगैरह होती हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉजिक बोर्ड, मेन बोर्ड और कंप्यूटर बोर्ड। इसको लॉजिक बोर्ड, मेन बोर्ड और कंप्यूटर बोर्ड भी कहा जाता है। होम टास्क है आपका लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 6, 9 एंड 10। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।